अभी हम जो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सपोज की जो सूरज जो है कितने बजे सनराइज हुआ, 5 बजे, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ऐसा लग जाता है कि सूरज राइज हो गया, सनराइज हो गया है, लेकिन जो सनसेट है, सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद हमें ऐसा लगता है कि सनसेट हुआ है। तो अर्ली सनराइज और डिले सनसेट, इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के कारण ऐसे होते हैं। तो इसे एक डायग्राम से हम अभी समझेंगे कि सनराइज अभी 2 मिनट पहले हमें कैसा पता चल जाएगा और सनसेट हो चुका होता है उसके 2 मिनट बाद हमें कैसे पता चलता है। तो ये हमारे पास है अर्थ, ये है हमारे पास अर्थ, और अर्थ के ऊपर हमने एक सीधी लाइन खींची है जिसको हम बोलते हैं होरिजोन। होरिजोन एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को स्काई के साथ मिलाने का काम करती है। हम यहां कहते हैं कि अर्थ जो है वो स्काई के साथ जो मिल रहा है उस लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन। तो इस हॉरिजॉन के ऊपर हमने एक छोटा सा बंदा बनाया, छोटू सा, ठीक है। और सबसे पहले हम सनराइज के केस में समझते हैं कि जब सन को राइज होना होता है तो सन जो है इस हॉरिजॉन से ऊपर आता है, और जब सन को सेट होना होता है तो इस हॉरिजॉन से नीचे की तरफ आया। सबसे पहला केस एडवांस सनराइज का समझते हैं। यहां पर हमारे पास सन है, सन से, अब सन कहां पर है, वैक्यूम में है, और सन से जो लाइट निकलेगी वो वैक्यूम से निकलने के बाद एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से रिफ्रैक्ट होते होते हमारी आंखों तक पहुंचेगी। अब हमारी आईज का काम क्या है, उसकी इमेज बनाना, और आईज इसी लाइट रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएगी तो सन हमें इस पोजीशन पे नजर आएगा, और ये 2 मिनट क्या होता है, पहले हमें नजर आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ। दूसरा केस है हमारे पास सनसेट। सनसेट हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट बाद पता चलता है। तो सनसेट के दौरान सन की जो लाइट रेज ठीक उसी तरीके से सनराइज की तरह हमारे आईज तक पहुंचती है डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस करके, और हमारी आईज मैसेज भेजती है ब्रेन को। अब ब्रेन उसी लाइट रेज को क्या करता है, पीछे की तरफ जब एक्सटेंड कराएगा तो सन हमें नजर आएगा हॉरिजॉन से ऊपर, लेकिन एक्चुअल में हॉरिजॉन से नीचे जा चुका होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।